हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक इंडियन घर। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज कबाब। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। आधा किलो बोनलेस चिकन, इसे हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। आधा कटोरी हंग दही, ये नॉर्मल दही को हमने पोटली में बांधकर एक से दो घंटा रखा है और उसका पूरा पानी ड्रेन कर लिया है, निकाल लिया है और फिर हमें ये क्वालिटी का दही मिलेगा, इसे हंग दही कहते हैं। एक कटोरी क्रश चीज, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और हरी चटनी, कोथमीर हरी मिर्च और लहसुन की 2 कली, थोड़ा पानी डालकर हमने पीस लिया है और इसकी ग्रीन चटनी बना ली है हमने। वुडन स्टिक्स, इसे 5 मिनट तक हमें पानी में डाल के रखना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तेल में तो इसमें आग ना पकड़े। आइए बनाना शुरू करें चिकन चीज कबाब। सबसे पहले हम चिकन का मिक्सचर बना लेंगे। इसमें डालेंगे दही, आपको बता रही हूँ ये हंग दही है जिसका पानी पूरी तरीके से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसे यूज करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लावर, ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट आप अपने हिसाब से डालिए। और इसे मिक्स कर लें। हाथ अच्छी तरीके से वॉश करके फिर आप इसे मिक्स करें। और अब हम इसमें डालेंगे क्रश चीज, क्रश चीज डाल दें इसमें। और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। इस तरीके से इसे मिक्स करें। तरीके से मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन में भी हमने थोड़ा सा नमक डाल के रखा था। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, मसाले अच्छी तरीके से लग जाए। सो फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से मैरिनेशन हो चुका है चिकन का। अब हम इसे 2 घंटे तक रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। और जब हम चिकन को फ्राई करें, शेलो फ्राई करें स्टिक में डालकर, तो ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। चिकन मैरिनेशन को 2 घंटा हो चुके हैं, अब हम इसे स्टिक में लगा लेंगे। इस तरीके से इसे स्टिक में लगा लें। और इसी तरीके से बाकी स्टिक्स भी तैयार कर लें। स्टिक्स पे हमने चिकन लगा लिए हैं, अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे।
तेल को हमने धीमी आंच पे रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्टिक्स। फ्लेम बारीक रखें और फिर डालें। इस तरीके से हम स्टिक्स डालेंगे और इसे पका लेंगे। ये एक साइड से अच्छी तरीके से पक रहा है, फ्राई हो रहा है, तो हमें इस तरीके से ऊपर से तेल को डालना है। और फिर हम इसे चेक कर लेंगे। ध्यान से इसे टर्न करेंगे हम। वाओ, इसका कलर कितना अच्छा आया है। दूसरा भी टर्न करके देख लेंगे। इस तरीके से हम इसे दूसरे साइड से भी पका लेंगे। फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे निकाल लें। और इसी तरीके से हम बाकी की चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। इसे हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक ओवन में गरम करना है और फिर इसे खाएं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो फिकर करने की कोई बात नहीं, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ में डायरेक्ट भी खा सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम 2 मिनट तक गरम कर लेंगे ओवन में। सो फ्रेंड्स, रेडी है चिकन चीज कबाब। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।